सो ज्ञानकृति हम लोग बहुत सारी एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं क्लास में ऑनवर्ड्स. उनमें से एक है ये बॉल गेम नाम से नाम दिया है हमने इसमें. सो जनरली स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं, कि कई बार टीचर उनसे ही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद में कि बच्चे कुछ आंसर करेंगे. लेकिन उनके मन में फिर एक फियर बैठ जाता है कि टीचर बार बार हमसे ही क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इसलिए जब हम किसी ये बॉल गेम जो करते हैं, इसका आप अभी एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे, सो उससे एक फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ये फीलिंग नहीं आती है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि टीचर्स रैंडमली बॉल फेंक के वो क्वेश्चन भेजते हैं. और साथ ही साथ क्योंकि ये एक फन एक्टिविटी की तरह हो रहा है, तो बच्चे उसे एक खेल की तरह लेते हैं. पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उसमें खेलने में मज़ा आता है, तो इस खेल खेलने में वो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं. अब हम देखते हैं कि क्लास में ये एक्टिविटी किस तरह से ली जाती है. ओके, तो अभी हम बॉल गेम खेलने वाले हैं. कौन सा? इसमें मैं बॉल किसी एक बच्चे को पास करूंगी, वो पोयम की फर्स्ट लाइन रीड आउट करेगा और बाकी बच्चे उसको फॉलो करेंगे बहुत केयरफुली, और जो इसको अच्छे से पढ़ लेगा वो अगले बच्चे को पास करेगा. अपने मन से किसी को भी पास कर सकता है. ओके, और उसके नेक्स्ट वाली लाइन उस बच्चे को पढ़नी है. ओके, रेडी? ओके, सो बॉल जाएगी और विल बी अ लॉयल. अब आपको किसे पास करनी है? चूज एनीवन. Must.